दो तीन दिन चार दिन पहले की बात है, एक सोशल मीडिया पर एक बात बहुत वायरल हो रही है तस्वीर। ये हमारे इधर पड़ता है करेल, करेल के पास में एक गांव है नंगला कंस, वहां का एक लड़का था सोनू नाम का। देखिए कहा जाता है कि कभी समय का पता नहीं है कि कब किसका बदल जाए। एक सोनू नाम का लड़का है, सोनू नाम का, तो परीक्षित महाराज उसका विवाह हुआ इसी 11 तारीख को। 11 तारीख की उसकी बारात थी और 12 तारीख को घर में जो रस्में होती है नी बहू आती है, तो 11 तारीख को बहू आई घर में। 12 तारीख को जब बहू घर में आई तो परीक्षित महाराज एक ही दिन उस भैया ने घर में व्यतीत कर पाया। और जैसे ही 13 तारीख हुई तो 13 तारीख को उस भैया को लाइट ने पकड़ लिया। अब बताओ उस बहू, जो बहू घर में आई थी वो किसी की बहन और बेटी थी। जब घर में आई तो परीक्षित महाराज हाथों की हल्दी तक नहीं छुटी, हाथों की मेहंदी नहीं छुटी और उस बेटा को लाइट ने पकड़ लिया, उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कब किसका समय कहां आ जाए किसी को पता नहीं। अब बताओ उस भैया की पत्नी पर क्या बीती होगी, और अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, अकेला लड़का था अपने माँ बाप के, उस उन मैया बाबा पर क्या बीत रही होगी, क्या घर वालों पर बीत रही होगी। भैया के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी, बिचारी रे जो छोड़ो दाल कहा जाता है समय का कुछ भरोसा नहीं है, इस शरीर का कुछ भरोसा नहीं है कि कब ये शरीर से आत्मा निकल जाए, कब ये शरीर मिट्टी बन जाए। एक मैया का पूत था, एक मैया का पूत था, वो भी छोड़ के चला गया। बताओ मैया बाबा पर क्या बीती होगी। दो दिन पहले खुशी ही खुशी घर में छाई थी कि नई बहू आएगी, लेकिन दो दिन भी व्यतीत नहीं हुए आज वो भैया भगवान को प्यारा हो गया।
एक भैया हो और वो भी भैया साथ छोड़ जाए, बीच मझदार में नैया छोड़ जाए, उन बहनों पर क्या बीत रही होगी, कैसे वो बहनें जी रही होंगी, जिसके जीवन का केवल एक सारा हो वो भी सारा छूट जाए। घर में क्या दशा होगी जिस घर में दो दिन पहले खुशी छाई हो और एकदम से शोक छा जाए। आज उस दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, हाथों की हल्दी नहीं छूटी, उससे ही पहले पति स्वर्ग से धार गया। कहा जाता है कि माँ बाप और पत्नी हर कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए सबसे कष्ट का दिन एक ही होता है, जब उनका बेटा उन्हें छोड़ के जाता है। माँ बाप के सामने धन संपत्ति चली जाए सहन कर लेंगे, लेकिन एक पुत्र का शोक सहन नहीं कर पाते। कहा जाता है जिसका एक ही सारा हो और वो भी सारा छोड़ के चला जाए तो उन माँ बाप पर क्या बीतती है। बोले बोले भगवान की